और ये आ गया है दोस्तों तीसरा टोल। फास्टैग है भाई है, पता नहीं क्या सिस्टम चला रहता है यार। ये भाई काम चला हुआ बन जाएगा रोड, टप और टप चलेगी फिर फास्टैग। पहले दोस्तों कैसे काटते थे ये, अब है फास्टैग वाले। और अमरूद बेच रहे भाई, खाना खा के आगे भाई। हम तो टोले बहुत महंगे थे। और टोल लिया कटा और हमारा सफ़र रह गया दोस्तों यहाँ से है 20 किलोमीटर, फिर आएगी कंपनी, फिर करते हैं वहाँ पर लोड। बदनावर, बदनावर के साथ ही है कंपनी, बदनावर पार करते ही। और बादल देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ है। और दोस्तों एक और छोटा सा गांव आ गया, ये है पिटगारा गांव। तो ये गुजरात के लिए भी निकल जाता है यहाँ से, लेफ्ट लेंगे ना आप दाहोद, देखो लिखा हुआ भी है बाहर दाहोद है, अहमदाबाद, सब इधर गुजरात को निकल जाता है। ये निकलेगा दाहोद, दाहोद से निकलेगा ये, क्या बोलते उसको, जगह का नाम बोल गया यार, काफ़ी दिन बाद जाना होना तो। हाँ गोधरा निकल जाएगा ये, बांसवाड़ा गोधरा में निकलेगा जाके। दाहोद से, दाहोद में बॉर्डर है एमपी का, वहाँ पे एमपी एंड होगा, फिर गुजरात होगा शुरू दाहोद में, फिर निकल जाएगा वो सीधा गोधरा बाईपास में निकल जाएगा। और पार्टी रिपेयर वाले भी है देखो यहाँ पे, कार केयर कार वाले भी है भाई। और हमारे भी आगे चले हुए आंध्र प्रदेश, आई लव इंडिया, ये भी काफ़ी प्यारा गांव है दोस्तों। मिस्त्री मार्केट भी है इधर भाई। और आगे चला हुआ है ट्रैक्टर, हम सोच रहे थे आंध्र प्रदेश वाले जी को करेंगे हम पास, पर आगे चला हुआ था ट्रैक्टर दोस्तों। और इनका ओवर हाइट भी है ना, ये दिखता ही नहीं आगे कुछ। तो इससे आगे आएगा दोस्तों बदनावर, कहीं बदनावर ही तो नहीं है ये भाई, मैं भूल जाता हूँ दोस्तों क्या करें। अब काफ़ी प्यारा गांव है यानी, पर अब बस क्या प्यारी बस है। ये भी वही रोड है दाहोद को निकल जाएगा, ये भी वो पीछे से भी है और यहाँ से भी है, दोनों एक ही रोड है। तो ये भोपाल भूपूल के लिए भी चले जाएगा, जाके उधर निकलेगा है झालावाड़ के पास, आगे से आगे एम्बुलेंस। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये बाज़ार, और वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। अभी तो आगे आगे काफ़ी कुछ मिलेगा आपको देखने के लिए, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मुझे लगता है, ओ देखो पार कंपनी आ गई मेरी भाई, हाँ बदनावर पहुंच गए दोस्तों। वो देखो ड्रम दिखने लग गए, देखो पार कंपनी तो बहुत प्यारी है दोस्तों। और गाड़ी लोडिंग के लिए भी काफ़ी आई हुई, मुझे लगता है इधर ही लगाकर करानी पड़ेगी एंट्री। तो गाड़ी किधर लगाएं दोस्तों, जगह ही नहीं है। ये भी पंजाब वाली गाड़ी है भाई, पारे घुमा के लगाते हैं, यही है कंपनी। तो किधर लगाएं गाड़ी, कंपनी तो यही है देखो पार, ड्रम इसमें ही है ना। तो यहाँ पर कट भी है, क्या करे गाड़ी किधर लगाए कुछ समझ नहीं आ रहा, बाहर होटल में लगा दें।
कैमरा लगा देते हैं भाई साइड में, फिर कराते हैं एंट्री उंट्री। कंपनी अंदर पार्किंग में लगी है गाड़ियां, देख सकते हैं आप लोग, इधर भी लगी है। ये देखो गाड़ियां आई है भाई दूर दूर से। ये कंपनी ठीक लगा मुझे, फटाफट एंट्री। चलो जी अंदर, और अभी एक और गेट पास करवाना है। और मोटरसाइकिलों को लिए देखो बढ़िया सेट बनाए हुए, देखो घर टाइप में है, कोई टेंशन ही नहीं है। देखो काफ़ी बढ़िया कंपनी लगी मुझे। आगे सिक्योरिटी गार्ड, कैमरा कर देते हैं बंद। अब कंपनी के साथ ये है होटल केदार पैलेस फैमिली रेस्टोरेंट, और ये है कंपनी, ये देखो कश्यप कंपनी है। और गाड़ियां काफ़ी लोड होती है इधर भाई। साथ ये है होटल बाबा जी का, कोई बाबा जी धो रहे बर्तन, फिर बनाएंगे चाय, फिर पियेंगे चाय। काफ़ी अच्छी चाय बनाते हैं बाबा जी, पर गिलास वही छोटे छोटे रहते हैं इधर, छोटे छोटे। तो होटल है और बढ़िया है, खाना पानी बढ़िया है, एकदम एक नंबर खाना बढ़िया। तो भाई वो घड़ा है ना पीछे, इसमें पानी बाबा जी ने रखा, पानी बहुत ही शानदार है। तो पानी पी के मज़ा आ जाता है, बिस्लरी पी के भी मज़ा नहीं आता जितना, प्यास बुक जाती है घड़े के पानी पी के बड़ी। और ये आगे चाय, चाय पीते दोस्तों, बस इधर ना यही गिलास देते हैं चाय का, बस और कुछ नहीं देते थे। ग्लास ग्लूस तो है नहीं, जब से कोरोना हुआ यही देते ग्लास, 5 रुपए की चाय है। और दोस्तों अपने को बिल्कुल मिल गए हैं बढ़िया से, और टाइम हो गए 6:30, तो अब निकलते हैं कंपनी से बाहर, दिखाते हैं आपको व्यू। तो वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा आज आपको, जो पिछले वीडियो में रह गए थे शहर गांव, तो उनको सबको कवर करने की कोशिश करूंगा। और बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, ऐसे ही प्यार देते रहे अपने छोटे भाई को, और हम आगे मेहनत करते रहें दोस्तों। ये है दोस्तों कंपनी, और ये कंपनी की पार्किंग देखो, लोडिंग का लिए गाड़ी आई है। तो सिक्योरिटी भाई ने खोल दिया गेट, और ये है निकल गया हम कंपनी से बाहर दोस्तों। और अब चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। यार ये गाड़ी भाई पता है हमारे को आ रहा है, तो हॉर्न लग रहा था बजाने जोर जोर से, राजस्थान वाले। और दोस्तों ये थी कंपनी जहाँ से लोड करी है, साथ में ये होटल है देखो। और कंपनी के बाहर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी रहती है दोस्तों, देख सकते हो आप लोग। राखी वाले ज़्यादा है भाई इधर, लाइन लगी हुई देखो राखी वालों की। अच्छा अच्छा ये बाहर सीमेंट प्लांट है देखो बाहर छोटा सा, तो यहाँ पर आए हुए सब लेकर। और देखो रोड में ही खड़ी करनी पड़ती है, कितना रिस्क रहता है हाईवे में। ये है प्लांट इनका यहाँ पर, यहाँ खाली होंगे अंदर मेरे को लगता है। ये देखो छोटा सा ही प्रोजेक्ट है दोस्तों, अल्ट्रा टच सीमेंट, यहाँ पे भी खड़े हैं नीचे को भाई। तो अब ये गाड़ियाँ ही बहुत लंबी लंबी होती है, तो होटल वाले भी खड़े नहीं होने देते हैं, जो जगह हो होटल में तो ठीक है, नहीं तो ये एक ही 3 गाड़ी की जगह घेर लेता है, तो इसीलिए रोड में खड़ी करनी पड़ती है बेचारों को। हमारे जैसे छोटी गाड़ी हो तो चलो अडजस्ट हो जाते हैं, ये है ही बहुत बड़े बड़े हैं।
काफी दिक्कत रहती है, तो होटल वाला खड़ी करने नहीं देता है। होटल वाला भी सच्चा है भाई, अगले के पास जगह नहीं है। अब कोई गाड़ी वाला आएगा तो अगला तो सोचता है ना कि होटल में लगे गाड़ी सेफ्टी से, इसीलिए इनको होटल में नहीं खड़ी करने दे रहे हैं, क्योंकि अब ये तीन चार दिन रुकने पड़ेंगे इनको या दो दिन। तो अगला बोलता अकेला ही यही है, क्या फ़ायदा, मेरे ग्राहक ख़राब हो रहे इस कारण इनको बाहर ही रखते हैं, तो इसीलिए रोड पर खड़े हैं बेचारे। देखो पीछे धूप लगी हुई थी, गर्मी हुई थी, तो मैं आपको बोल रहा था ना इधर मंदसौर वाली साइड को बारिश लगी हुई होगी, तो इधर देखो बारिश होके हटी है अभी, तो रोड गिल्ला पड़ा है। देखो भाई कुदरत के करिश्मे, कहीं धूप तो कहीं छाया है, देख सकते हो आप लोग, और ऊपर आसमान काला हुआ है, बारिश हो सकती है रात को भाई। और देखो ये सोयाबीन ही सोयाबीन लगी है चारों तरफ, देख सकते हैं आप लोग, पीले हो गए हैं खेत पूरे, कितने प्यारे लग रहे हैं ना, पीले पीले फूल लग रहे हैं जैसे फूल हो। और मौसम का तो क्या कहना, बादल ही बादल है, आसमान तो दिख ही नहीं रहा इधर को ना, सब बादलों ने कब्जा कर रखा है। और देखो खेत भी पूरे पीले, और यहाँ पर बिल्डिंग भी पीली है, जेके सुपर सीमेंट, ये देखो गोडाउन है, देखो जेके सुपर सीमेंट, क्या खूबसूरत लग रही है बिल्डिंग, है ना। और दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ सतरुंडा। आप लोग बोलते भाई रात को भी ब्लॉग शूट करें कर, तो अभी बारिश लग गई है, रात को कुछ दिखता नहीं है दोस्तों, क्या करें। तो बूंदाबांदी हो रही है जैसे ये ना एक किनिया, तो ये ख़राब रहती है दोस्तों रात के लिए, क्योंकि अब किनिया कानिया लगे रहती है, शीशे ख़राब हो जाते हैं, बाइक पर चलाएंगे तो भी दिक्कत है। देखो बाइक पर चला के तो और दिखना बंद हो जाता है, और किचड़ियाँ जम जाती शीशे में, फिर आगे से लाइट पड़ती है ना, फिर दिखता ही कुछ नहीं आगे। और आजकल आपको पता ही है ट्रक वाले कार वाले मोटरसाइकिल वाले डिपर का यूज़ करते नहीं है, फुल लाइट बाल के चले रहते हैं, तो इससे ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, फिर दिखता ही नहीं है कुछ आगे। तो मैं तो आज दोस्तों जावरा तक ही जाऊँगा, नहीं तो मैं पीछे सो जाना था। आप लोग बोलते हो कि रात को भी ब्लॉग शूट करना, तो इसलिए मैं चला हूँ, नहीं तो पीछे मैं जिमीदारा होटल में सो जाना था, वहीं पे खाना खुना खा के। तो मैं कहा चलो यहाँ से 100 किलोमीटर है जावरा, तो चलते हैं वहाँ तक, फिर दिखाते हैं आपको रात का व्यू। रात को दोस्तों अच्छा नहीं ना आता, इसलिए मैं सो जाता हूँ, और मुझे पसंद भी नहीं है रात को ज़्यादा चलना, दिन में ही चलना ठीक है, और अपने ब्लॉग शूट करते रहो चलते रहो। तो ये आ गया है टोल टैक्स, रतलाम से पीछे है ये, रतलाम है यहाँ से 20-25 किलोमीटर। रात को तो बहुत ही प्यारा लग रहा है टोल टैक्स आने, व्यू बहुत अच्छे आते हैं रात को भी, मैं तो सोचता हूँ कि रात को कहाँ व्यू आएंगे, पर ये तो टोल टैक्स है, लाइट ही लाइट है, तो इसीलिए व्यू आ गया अच्छा। और खुल जा सिम सिम, खुल गया सिम सिम, जाम इसमें लगा रहता है टोल में, इस टोल के फास्टैग बहुत कम काम करते हैं। और देखो रतलाम 15 किलोमीटर, जावरा 61 किलोमीटर, मंदसौर 101 किलोमीटर, मंदसौर भाई 101 किलोमीटर। और रात का व्यू देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से है, रात को कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, बस ये सफ़ेद सफ़ेद पट्टी लगी और रोड में तो चमक जाता है, रोड बढ़िया एकदम। और दोस्तों हम पहुंच गए हैं धराड़ गांव में, और रात को देख सकते हैं
लाइटें लाइटें जली हुई तो बहुत प्यारा लगता है। और बारिश ने दोस्तों दिमाग ख़राब कर रखा है, बस बारिश होती भी नहीं है, बस छिट्टे छुट्टे हो रहे हैं, शीशे जाते हैं गंदे हो। और ऐसे में जैसे गाड़ी पास लेती है, किसी को पास करते हैं तो उसके छिट्टे पड़ जाते हैं गाड़ी में और शीशे गंदे हो जाते हैं, आगे से फिर देखना ही बंद हो जाता है। बस आगे आगे बारिश हो रही है, पीछे पीछे हम चले हैं दोस्तों। और ऐसे में ना एक कीचड़ी टायरों से उड़ते कीचड़ और शीशे जाते खराब हो, यही दिक्कत रहती है बरसात में। या तो बरसात मोटी लगे रहे ना फिर तो बढ़िया है। और ऐसे में कार वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, क्योंकि कार के तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं शीशे टायर, क्योंकि कार डाउन होती है ना इसीलिए गंदे हो जाते हैं, तो टायर के सारे कीचड़ कार के शीशे में बैठ जाती है जाके। और आगे बारिश जोर की हो रही है, आसमान गड़क रहा है, बिजली गड़क रही है, तो लग रहा है तगड़ी बारिश हो रही होगी आगे। और दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रतलाम, और रतलाम का व्यू देख सकते हैं रात को, दिन में और रात में काफ़ी फर्क रहता है दोस्तों। और देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है, और ये चला गया रतलाम शहर के लिए अंदर को, जिधर कोई सामने दिख रही है ना लाइटें, तो हम तो जा नहीं पाते हैं, तो हम तो बाईपास ही हो जाते हैं। और यहाँ से शुरू हो गए समझो रतलाम का बाईपास, तो अभी हमारे को विनोद भाई का फ़ोन आया होता जयपुर से, तो बड़ी खुशी हुई, हालचाल पूछ रहे थे बड़े भाई, तो बस आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहो छोटे भाई को। और देखो पिकअप जा रही है लोड होकर, सुटा सुट सुबह की मंडी होगी पिकअप वाले की, तभी भागा हुआ भाई क्या करे, गाड़ी वाले को यही है लोड करो खाली करो खाली करो तो लोड करो, बस भागम भाग है जिंदगी में, जागते रहो भागते रहो। देख सकते हो दोस्तों रतलाम बाईपास में जैसे ही एंटर हुए बारिश ने धावा बोल दिया है, बड़ी तगड़ी बारिश हो रही है भाई। पीछे इंदौर साइड धूप लगी हुई थी बदनावर तक, उधर कोई बारिश नहीं थी है। और मैं आपको सुबह ही बोल रहा था पिछली वीडियो में भी कि भाई इधर रतलाम जावरे वाली साइड तो बारिश हो रही होगी, तो इधर हो ही रही है बारिश। ओहो खड्डा टप गया दोस्तों, दिखता ही नहीं है ना रात को क्या करे। और रतलाम बाईपास यहाँ पर हुआ एंड, देखो ये रतलाम बाईपास अंदर रतलाम सिटी के लिए जा रहा है रोड यहाँ से, तो रात को तो क्या दिखेगा आप लोग को। देखो भाई आगे दिखता ही कुछ नहीं है, बहुत बुरे हाल रहते हैं रात को तो। और टाइम हो गया है दोस्तों 8 बज गए हैं पूरे, जावरा 28 किलोमीटर हैं, 28 किलोमीटर है क्या जावरा, ओहो जावरा कब आ गया पता ही नहीं लगा दोस्तों, क्या ही बोले दोस्तों। पिकअप वाला जा रहा है सब्जी लेकर, सब्जी के सनम लिखा पीछे भाई, सब्जी के सनम, हम है सुक्के वाले सनम, वो सब्जी वाले हम सुक्के माल वाले। सुक्के माल में ये फायदा है जिधर मन करा सो जाओ, अब सब्जी के सनम को तो भाई मंडी में जाके ही मिलता है सोने को। और दोस्तों हम पहुंच गए हैं जावरा, तो जावरा रुक जाना था पर मौसम साफ है यहाँ पे, थोड़ा बारिश नहीं है तो इसीलिए मैं चल पड़ा। और बाकी जो जावरे में होटल थे ना वो बंदे होटल छोड़ के ही चले गए, तो फिर मैं रुका नहीं उधर, मैं कहा चलते रहते हैं फिर इससे बढ़िया कहीं रात को डीजल डूजल ना निकाल दे कोई भाई, तो इसलिए मैं चल पड़ा। और अब पहुंच गया हूँ मैं जावरा, और ये आ गया भाई ब्रेकर, पिकअप वाले चले गए भाई, ये पता नहीं क्या भरा हुआ इन्होंने, मटर है कि क्या है इनमें, आए आए आए। रात को दोस्तों दिखता ही नहीं, आगे से लाइट आती है ना, एक तो लाइट डिपर मारती नहीं है,
आके दिखता भी नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ बताना आप लोग कि नाइट को व्यू अच्छा आ रहे, आपको पसंद आ रहे। तो इसलिए बताना कमेंट करके जरूर। मेरे को तो ऐसे बढ़िया ही दिख रहा है, पर वीडियो में जैसे आगे से गाड़ी आ जाती है ना, फिर आगे लाइट ही चमकती है, फिर दिखता कुछ नहीं आगे, इसीलिए दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। मीनाक्षी जा रही है भाई, मीनाक्षी। ये देखो जावरा, यहाँ से राइट साइड को अंदर सिटी के लिए नीमच सीधा ही है, और पिपलोता जा रहा है यहाँ से लेफ्ट साइड के लिए। ओ, ब्रेकर आ गया, ब्रेकर। शीशे भी गंदे हो रखे, दिखता ही नहीं कुछ आगे, लाइट पड़ती है ना आगे से। दिखाता हूँ आप लोग को शहर, ये है जावरे का बस स्टैंड अंदर को दोस्तों, वो देखो बसें लगी है अंदर जावरा बस स्टैंड। ये देखो बस स्टैंड, बहुत बड़ा बस स्टैंड है भाई, आज दिखाए तो मेरे को। और ये होटल वगैरह आगे साईं राज, ये सामने को दिखाऊंगा तो आगे से गाड़ियाँ आती, लाइट पड़ती है, दिखता ही कुछ नहीं है, तो इसीलिए ऐसे दिखा रहा हूँ आपको व्यू थोड़ा सा। और लाइटें लाइटें लगी हुई, बहुत ही प्यारी लगती है लाइटें। और ये आ गया है ओवर ब्रिज, जैसे ही जावरा पार करेंगे वो ओवर ब्रिज आ जाता है। और ब्रिज के ऊपर लाइटें लगी हुई ना, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और अरे टेलर वाला किधर को जा रहा है भाई? हम दौड़ करके पार दोस्तों, दौड़ पार करते ही ये टोल टैक्स आ जाता है मध्य प्रदेश। कार कूर वाले के तो कट जाते हैं कैश भाई, खुल गया सिम सिम भाई। और देखो गाड़ी नंबर भी आता है 8827। भाई साहब वो बारिश ने ना बहुत बुरे हाल कर रखे हैं, देखो यहाँ सूखा पड़ा है। पीछे जावरा डोडर में तो इतनी तगड़ी बारिश हो रही थी दोस्तों, बहुत बुरे हाल है। देखो यहाँ बिल्कुल सूखा पड़ा है, पता नहीं क्या सिस्टम चला भाई। जावरा पार करते ही डोडर में बारिश लगी हुई थी। और दोस्तों हम पहुंच गए हैं दलोदास शहर, और देख सकते हैं रात का व्यू कुछ इस प्रकार से है। रात को तो आगे से लाइटें लाइटें लग जाती है ना, फिर दिखता ही कुछ नहीं है। कोई एटीएम ओटीएम मिल जाए, जेब में 500 रुपए बचे हुए हैं, एटीएम 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 करो, एटीएम मिल जाओ। और
बताना दोस्तों कि आपको दलौदा शहर का व्यू किस प्रकार से लगा रात को। क्योंकि लाइटें पड़ती है ना हाईवे में, आगे से गाड़ियां बहुत है तो दिखता कुछ नहीं है आगे। तो फिर भी बताना आप लोग, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे को यहाँ एटीएम नहीं दिख रहा, दलौदा में इतना बड़ा शहर है ये, क्या ही बोले अब। एटीएम तो था मित्रों यहाँ पर कहाँ था ये याद नहीं आ रहा है। गाय बैठी भी देखो रोड में सारी। ATM, ये भी बंद है ATM भाई, किस्मत खराब है। ये मेरे को लगता रात को इधर ही ना सोना पड़ जाए। ATM तो था दोस्तों पार को पंजाब नेशनल का, पर वहाँ पर सुनमसान है और 5-6 बंदे खड़े हुए उधर, तो डर लगता है ऐसे में दोस्तों, कहीं जो भी 2-4 हज़ार होगा उसको भी छीन के ना ले जाए बंदे, और ऐसा होता भी है दोस्तों रात को। जैसे मैं ट्रक आस्ते कर रहा तो मेरे तरफ लग गए थे देखने हो, इसीलिए मुझे थोड़ा डर जैसा लगा। जैसे ही मैंने ब्रेक मारे ना वो लग गए देखने वाले को, तो मुझे काम कुछ ख़राब लगा, इससे अच्छा तो सोना ही ठीक है कहीं, है कि नहीं दोस्तों। आपको पता ही है अकेली जान, 7-8 बंदे थे बैठे हुए वहाँ पे, और आजकल ये सिस्टम ख़राब हो गया ना दोस्तों ऑनलाइन का, कैश तो कोई देता ही नहीं है। अब ट्रांसपोर्टर को बोला मैं, कहा 1,000-2,000 दे दे भाई, बोलते नहीं सब मालिक के खाते में डलेंगे, तो क्या ही बोल सकते हैं दोस्तों। जब साथ के लिए कोई गाड़ी भी नहीं है, सारे इस टाइम सो जाते हैं ना इसीलिए नहीं है, या साथ में गाड़ी हो ना फिर तो टेंशन जैसी नहीं रहती है दोस्तों। और इस टाइम है दोस्तों हम रतलाम बाईपास पर पहुंच गए हैं, रतलाम। तो शहर में तो हम जा नहीं पाते दोस्तों, तो बाईपास ही घूमते रहते ट्रक वाले यार। तो मेरे को ये कैंटर वाले की हालत लग रही है ख़राब, ये डब्बे वाले की काफ़ी गड्डी को मारा है ये, तो मैं भी इसके पीछे पीछे चला उसके गड्ढूर देखते हैं क्या करता है। अभी 2-3 बार इसने गड्डी बहुत बुरी घुमाई है, देखते हैं चेक करते हैं इसके पीछे चल के। यहाँ पे निकलता है मंदसौर सिटी से रोड, और दोस्तों यहाँ पर साथ में ट्रांसपोर्टें भी है, तो कभी मंदसौर आओ तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट है ओरिएंट ट्रांसपोर्ट, ये सामने ट्रांसपोर्ट है पार बाईपास पर इधर, तो ये भी अच्छा रेट लगता है। जैसे आप हिमाचल पंजाब को जा रहे हो पाट माल भी भरवा देते हैं, और जैसे आप ये लोग इधर हैदराबाद मद्रास बेंगलोर कहीं भी जा रहे हो महाराष्ट्र आंध्रा कर्नाटका तो भी माल भरवा देते हैं। जैसे आपको पास वजन कम हो 1-2 टन 3-4 टन डालना हो तो डाल सकते हैं, अच्छा रेट लगता है। ओरिएंट ट्रांसपोर्ट है यहाँ पर, तो आप लोग पंजाब जा रहे हो तब भी डाल सकते हो, इधर जा रहे हो हरियाणा महाराष्ट्र आंध्रा जा रहे हो तब भी माल मिल जाएगा आपको। और ये आ गया है दोस्तों रतलाम वाला टोल, रतलाम पार करते ही है ये वाला टोल। जब हम पंजाब वाली साइड से आएंगे तो फिर रतलाम से पहले ये टोल टैक्स, और अब भाई सब में टोल टैक्स लग गए हैं, फास्टैग
पहले कैश लगते थे सारे, ये अब फास्टैग की सुविधा हो गई है इस लाइन में। सारे टोल टैक्सों में कोई भी कैश नहीं कटता है अब। तो कई हमारे ड्राइवर भाई है जो कैश के चक्कर में नहीं आते इधर से, तो अब फास्टैग लग चुका है दोस्तों, तो आ सकते हो आप लोग। अरे भाई इसका फास्टैग नहीं चल रहा कार वाले का, क्या चक्कर हो गया भाई। वो खुल जा सिम, हाँ खुल गया सिम। चलो जी खुल जा सिम, खुल जा सिम। चलना कहाँ से, वो कहाँ लगाया हुआ देखो इन्होंने। लगाए भी इन्होंने बड़े साइड में उधर लुका के अलग से, थोड़ा सामने में लगाओ उसको है। क्या दिमाग है इनका यार। ए देखो जी भाई, आठ टायरी वोल्वो अशोक, क्या प्यारी बस है ना। आजकल इधर बरसात में गंदी हो रखी है, नहीं तो बहुत प्यारी बस थी ये वोल्वो वालों की। ये आ गया दोस्तों अपना कड़ी, कड़ी पकौड़ा, रोटी, ये सलाद। हम खाते हैं खाना, फिर करते हैं आपसे बात। ये देखो भाई जम्मू वाले होटल में खड़े हैं, यहाँ पे कछुआ भी है, इसमें मच्छी भी है। देखो तो दोस्तों पाने खाली रोटी, रोटी पानी खा के फ्री हो गए, रात के बन गए 12। तो एक दो भाई ने कमेंट भी किया था कि रात का भी ब्लॉग शूट किया करो, तो इसलिए मैं रात को शूट करने की कोशिश करी, पर मेरे को अच्छा नहीं लगा दोस्तों यार, क्योंकि रात को फिर लाइटें पड़ती आगे से, फिर दिखता नहीं है कुछ अच्छा आगे से, और बारिश भी लगी हुई थी बीच बीच में, फिर मैंने शूट भी बहुत कम किया। तो बाकी बताना आपको नाइट का ब्लॉग कैसा लगा आपको, तो आप लोग तो बोलेंगे अच्छा नहीं लगा, तो मुझे तो पहले ही पता है कि अच्छा नहीं है, फिर भी हम मैंने कोशिश करी और आप लोग के खातिर जागा मैं भी रात को, नहीं तो मैं 8-9 बजे सो जाता हूँ दोस्तों। तो फिर भी बताना आप कमेंट करके ज़रूर, और चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो ओके बाय दोस्तों, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, लव यू ऑल, बाय बाय।